खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में अगले महीने होने वाले G20 समिट से पहले बड़ी घटना सामने आई है। दिल्ली को बदनाम करने की साजिश की गई। राजधानी के 5 मेट्रो स्टेशनों पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए। हालांकि घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन से पहले सिक्स फॉर जस्टिस यानी SFJ ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के फुटेज जारी किए हैं, जहां खालिस्तान समर्थक नारे लिखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि दिल्ली के कई शिवाजी पार्क से लेकर पंजाबी बाग तक के मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए। फिलहाल दिल्ली पुलिस इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो वहीं दिल्ली में जिस तरह से मेट्रो स्टेशनों पर नारे लिखे गए, देश विरोधी नारे लिखे गए हैं, इसे लेकर दिल्ली पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और जिन आरोपियों ने ये नारे लिखे उनकी तलाश भी लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे गए और देश विरोधी नारों के वीडियो भी जारी किए गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वीडियो के आधार पर, फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे गए, देश विरोधी नारों को लेकर मेट्रो स्टेशन चर्चा में बने हुए हैं। अब इन्हीं को लेकर दिल्ली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जिसे लेकर देश विरोधी नारे मेट्रो स्टेशनों पर लिखे गए और उसी के बाद अब फुटेज के जरिए जो पुलिस है वो आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, देश विरोधी नारे देखने को मिले मेट्रो स्टेशन पर, पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है, क्या किसी की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? जी पूनम, देखिए एक तरफ जहां G20 समिट को लेकर दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, दिल्ली में जगह जगह जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है, सौंदर्यकरण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिक फॉर जस्टिस की तरफ से दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशन पर भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थन में जो नारेबाजी है वो लिखी गई है, जिसमें कि SFJ ने खुद इसकी जिम्मेवारी लेते हुए वीडियो भी एक जारी किया है। तो पुलिस की तरफ से लगभग आधा दर्जन जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और जो इसमें जांच है वो आगे की चल रही है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा नागेंद्र, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों से कोई इनपुट्स निकलकर सामने आया है? किसने इस तरह की हरकत करने के लिए इन्हें उकसाया या फिर किसने इन्हें बोला मेट्रो स्टेशन पर देश विरोधी नारे लिखने के लिए? क्योंकि पिछले एक लंबे अरसे से खालिस्तानी समर्थक जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से इस तरह के जो हरकत है वो की गई है। तो अभी इसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और क्योंकि एकदम स्पष्ट है कि जो सिख फॉर जस्टिस संगठन है उसकी तरफ से ही ये हरकत जो है वो की गई है, तो जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे इसमें पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग जब ये नारेबाजी लिख रहे थे तो रिकॉर्डिंग में भी आए हैं, उनके फोटो भी जारी किए गए हैं, तो पूछताछ दिल्ली पुलिस की तरफ से इसमें की जा रही है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो जिससे कि G20 समिट के वक्त कोई इस तरह की राष्ट्र विरोधी हरकत जो दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे उनके सामने ना। बिल्कुल नागेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? दिल्ली पुलिस की तरफ से यही बयान दिया गया है कि जो लोग कुछ जिनके फोटो में आ रहे थे या जिनके CCTV में आ रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। अब क्योंकि SAF की तरफ से इसकी जिम्मेवारी लेते हुए वीडियो भी जारी किया गया है तो संगठन पर कार्रवाई करने की मांग दिल्ली पुलिस की तरफ से केंद्र सरकार से की गई है। हो सकता है कि G20 समिट के बाद इस संगठन पर बैन किया जाए या किस तरह की कार्रवाई की जाए वो देखिए। बिल्कुल नागेंद्र, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं इनकी पहचान कैसे की गई और क्या और भी लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार करना बाकी है? देखिए, शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन से पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के बीच में 5 ऐसे मेट्रो स्टेशन थे जिन पर इस तरह की जो कालिख से लिखा गया था दिल्ली बनेगा खालिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद, ये नारे वहां पर
लिखे गए थे। तो सीसीटीवी में कुछ लोग आए हैं, उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ लोग हैं जिनकी पहचान करके उनको पुलिस द्वारा पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। उसके लिए पोस्टर और इश्तिहार की जो पुलिस की तरफ से निकाले गए हैं, तो पुलिस की तरफ से कोशिश है कि एक ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाए, जिससे कि जिस वक्त तमाम देशों के जो मेहमान होंगे, राष्ट्राध्यक्ष होंगे, उनके सामने इस तरह की कोई हरकत किसी भी देश विरोधी संगठन की तरफ से ना की जाए। जी चलिए ठीक है नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।